हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम बनाएंगे भटकी चूरकानी। और अभी मैं जरा बाहर घूमने आया था, वॉकिंग करके अभी जा रहे हैं, तो आपको दिखाएंगे। आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आपको भटकी चूरकानी बनाना सिखाएं। जो भटा चूरकान कुनी वाल और हल्क मंदा आँच वाल, और मंदी आंच रखनी है। उसके बाद रखेंगे कढ़ाई और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे काले भट भूनने के लिए। थोड़ा सा डाल लेते हैं इसमें, बस इतना तेल डालेंगे। और इसमें हम भट भूनेंगे पहले, फिर उसके बाद आटा भूनेंगे। अब ये भट्टी हम भुनाई कर रहे हैं, मंदी आंच में भूनना है इसको। और खुशबू आएगी इसमें से तो तब है, मतलब बीच में से फट जाते हैं ये, तो तब पता चल जाता है कि मतलब ये पक गए पूरी तरीके से। ये देखिए, फिर उसके बाद इसको हम नीचे उतारेंगे। जब तक ये भुन जाते हैं तब तक हम प्याज टमाटर लहसुन वगैरह वगैरह वो छील लेते हैं। इसके लिए एक प्याज ले लिया है, दो मैंने वो ले लिए हैं लहसुन, और चार हरी मिर्च। अब इनकी कटिंग कर लेंगे और साथ साथ में इसको भी मैं घुमाते रहेंगे टाइम टाइम में, ताकि ये जले ना। दोस्तों काफ़ी अच्छा स्वाद होता है इसका, हम पहाड़ में बनाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। जो भटकी चूरकानी के नाम से फेमस है। ये हमने मिर्च काट ली, प्याज काट लिया है, और दो लहसुन हम सिलबट्टे में पीस लेंगे इनको छील के, और एक टमाटर डालेंगे छोटा सा। अब भट भी हमारे भुन चुके हैं, अब इनको हम नीचे निकालेंगे। एक खाली एक बर्तन में निकाल लेते हैं इसको। उसके बाद फिर थोड़ा सा आटा लेंगे और आटा को भूनेंगे, वही धीरे मंदी आंच में थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल नहीं, चलिए तब तक आटा भून लेते हैं। और सिलबट्टे में ये भी पीसे मसाले वगैरह वगैरह पीसे जा रहे हैं। और इसको तब जब जब तक ये ब्राउन नहीं होता आटा, तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। ये भुन चुका है हमारा आटा, इसको बाद नीचे निकाल देंगे इसको। उसके बाद फिर जीरा लेंगे, दोबारा से तेल डालेंगे उसमें, तेल को गर्म होने देंगे। उसके बाद फिर हम मसाले बनाएंगे। इसके लिए डाल दिया जीरा, ये डाल दिया प्याज। अब इसको भूनेंगे ब्राउन होने तक, इसको प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। टाइम टाइम में इसको ऐसे काटते रहे प्याज को, ताकि गल जाएगा। और प्याज हमारा लगभग भून चुका है, हम इसमें डालेंगे छोटा सा टमाटर जो आपको दिखाया था। ये देखो, इसका हम मसाला बना लेंगे बढ़िया सा। नमक को मैंने पहले ही ऐड कर दिया था इसमें ना, अब थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल दी, हल्दी को भून लेंगे हल्का सा। इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे धनिया। मैं ज़्यादा मसाले यूज नहीं करता हूँ, धनिया और हल्दी और लहसुन का पेस्ट, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, वो उसके बाद डालेंगे, थोड़ी देर बाद डालेंगे उसको। उसको हल्का सा भूनेंगे, उसके बाद पानी डाल, उसमें भट डालेंगे, उसके बाद पानी डाल देंगे। ये मैंने धनिया डाल दिया, इसको भी भून लेते हैं। बस इतना सा, ज़्यादा मसाले खाने से भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना, हल्के खाने चाहिए मसाले सही रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये बन जाता है, उसके बाद इसमें पेस्ट डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च का। ये डाल दिया है, इसको थोड़ा घुमा लेंगे, थोड़ा पकने देंगे इसको एक मिनट डेढ़ मिनट तक, ताकि इसकी लहसुन की खुशबू पूरे सब में बनी रहे, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा भाई। उसके बाद इसमें डालेंगे हम भट, जो भुने हुए भट थे वो डालेंगे। ये डाल दिए भट, ये ऑयल में मैंने भून रखा है। अब इसके बाद हम इसको घुमाएंगे थोड़ी देर, इसको मिलाएंगे। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे, हल्का सा पानी ऐड कर लेते हैं इसमें। ये कर लिया पानी ऐड, अब इसको हम घुमाएंगे थोड़ा सा। दोस्तों पकने के बाद ये पूरी काली हो जाती है, आपको लगेगा कि यार ये क्या बना दिया इन्होंने। ये अब इसमें हम जो भुना हुआ आटा था वो डाल देंगे। ये देखो भुना हुआ आटा ये है, ये डाल देंगे इसको घोल के। उसके बाद फिर लगभग लगभग हमारी रेसिपी बन के तैयार है। एक दो उबाल आने दो इसको, उबाल आने के बाद हम इसमें हरा धनिया काट के, हरा धनिया डाल देंगे। उसके बाद खाने के लिए रेडी।
आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।